हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर नगर परिषद की शहर भर में आलोचना हो रही है क्योंकि नगर परिषद की नजरअंदाजगी से शहरवासी परेशान हैं। निर्माणाधीन सीवरेज के नालों से लगकर जगह जगह कचरे का अंबार लगा पड़ा है। दरअसल शहर के एकमात्र आदर्श स्टेडियम के ठीक पीछे और बाड़मेर की पॉश कॉलोनी कहे जाने वाले महावीर नगर में नगर परिषद ने डंपिंग स्टेशन बना रखा था, जहां मृत पशुओं के साथ खुले में सड़क पर ही कचरा डाला जा रहा है। वहीं बारिश के बाद से ही कचरा पूरे इलाके में फैल रहा है, जिससे कॉलोनी के लोग काफ़ी परेशान हैं। पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पंचायत समिति सदस्य मृदुरेखा चौधरी का कहना है कि एक्चुअल में इस कचरा पॉइंट से ये रेलवे के बिल्कुल ट्रैक के जो पास इन लोगों ने बनाया था, और जिस समय ये बन रहा था उस समय भी हम लोगों ने इनको कहा था कि आप इसको यहाँ नहीं बनाइए, ये जनरली एक आने जाने का रास्ता था। उसके पास में इन्होंने बाउंड्री खींच दी और कचरा बना दिया, कचरा पॉइंट बना दिया। अब स्थिति ये है कि ये जो कचरा इकट्ठा करते हैं सभी जगह से, ना तो इसमें अंदर डाल पाते हैं, ये आधा बाहर रहता है कुछ अंदर रहता है। अब जो बाहर कचरा रह रहा है उस पर ये गाय जो है वो जाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, कचरे में मुंह डालती हैं, और वहाँ से जैसे ही बरसात होती है पूरा का पूरा पानी वहाँ से बह करके, क्योंकि ये ढाल है यहाँ महावीर नगर में, और इस ढाल की वजह से सारा पानी जो है महावीर नगर कॉलोनी में भर जाता है और हर घर के आगे कचरा और गंदगी इकट्ठी हो जाती है। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त पंकज मंगल का कहना है, जहाँ तक मृत पशु का सवाल है वहाँ मृत पशु नहीं डाले जा रहे हैं, है ना, और मैं अभी देखवा लेता हूँ किसी को भेज के। और कचरा पॉइंट से कचरा रूटीन में उठाया जा रहा है, थोड़ा सा इस बार बारिश की वजह से ज़्यादा जो नाले उठे या जो भी आसपास का कचरा ज़्यादा उठ के पहुँच गया, लोगों ने भी जो कचरा बाहर निकाला है वो भी गीला हो गया, गीला होने से दुर्गंध आ रही है, वो भी संडे तक हम पूरा जो कचरा पॉइंट है उसे पूरी तरह साफ करा देंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।